हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बनाने वाली हूँ मटर मशरूम मसाला। ये काफ़ी स्वादिष्ट बनती है, आप ज़रूर इसको ट्राई करें। मशरूम में काफ़ी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन डी और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स पाई जाती है। तो चलिए बनाते हैं। सबसे पहले कढ़ाई में 3 टेबलस्पून मस्टर्ड ऑयल को गर्म करना पड़ेगा। अब इसमें ऐड करना है खड़े गर्म मसाले 1 चम्मच। इसके बाद मैं इसमें डालूंगी 1 कटी हुई प्याज, 1 हल्के भूरे होने के बाद इसमें हम लोग ऐड करेंगे 2 हरी मिर्च, लहसुन और अदरक। इसके बाद 2 कुटी हुई टमाटर भी ऐड करना पड़ेगा। इसको कुछ देर तक अच्छे से पका लेंगे, जब तक कि ना ये टमाटर गल जाए। तो फिर मैं इसमें ऐड करूंगी नमक। नमक डालने से ये टमाटर जल्दी से गल जाते हैं। कुछ देर और तक इसे पकाना है। मैं लिड को कवर कर दूंगी 3 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर। फिर इस मिक्सचर को ठंडा होने के बाद अच्छी तरह से ब्लेंड करना है मिक्सर ग्राइंडर में। तो चलिए, मैं इसको ब्लेंड कर चुकी हूँ। आप देख सकते हैं कि ये पेस्ट काफ़ी थिक बना है, कुछ ऐसा दिखता है। इसकी काफ़ी बढ़िया खुशबू आती है। अब उसी कढ़ाई में 2 चम्मच तेल गरम करके हम लोग ऐड करेंगे 1 चम्मच जीरा और 2 से 3 हरी मिर्च। इसके बाद हमें ऐड करना है टमाटो पेस्ट। इसके बाद मैं इसमें ऐड करूंगी हल्दी पाउडर 1 चम्मच, कश्मीरी मिर्च पाउडर 2 चम्मच। इससे बहुत बढ़िया ग्रेवी में कलर आती है। तो चलिए हम इसको मिला लेंगे। अब इसको हमें कवर करना है और 3 मिनट तक पकाना है, जब तक कि ना तेल बाहर निकले। तो 3 मिनट बाद हम देख सकते हैं तेल बाहर आ चुकी है और मसाला काफ़ी अच्छे से भुन भी चुका है। अब इसमें हमें ऐड करना है फ्रेश हरी मटर, जो मैंने लिया है 250 ग्राम्स। बहुत ही फ्रेश मटर है और आप चाहे तो फ्रोज़न मटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसको मिला लेना है अच्छे से मसालों के साथ। Thank you.
इसके बाद हमें ऐड करना है 2 चम्मच दही। इससे ग्रेवी का टेस्ट बहुत बढ़िया हो जाता है। मटर मशरूम मसाला बनकर तैयार है। इसको गर्मा गर्म सर्व कीजिए चपाती के साथ या पराठे के साथ, काफ़ी बढ़िया लगती है। ज़रूर ट्राई कीजिए फ्रेंड्स, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय।